माननीय अध्यक्ष जी, जितनी ज्यादा अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी उतने ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इसी लक्ष्य को लेकर के पिछले 7 साल से हमने इन चीजों पर फोकस किया है और उसका परिणाम है हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान। मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, हर सेक्टर में हमारा उत्पाद बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के हम आज ग्लोबल वैल्यू चेन के हिस्से बन रहे हैं, ये अपने आप में भारत के लिए एक अच्छी निशानी है। हमारा बड़ा फोकस एमएसएमई और टेक्सटाइल जैसे लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स में है। एमएसएमई की परिभाषा में सुधार, एमएसएमई की परिभाषा में हमने सुधार करके उसको भी नए अवसर दिए हैं। अपने छोटे उद्योगों को सुरक्षित करने के लिए, एमएसएमई के लिए सरकार ने इस कोरोना के विकट कालखंड में 3 लाख करोड़ रुपए की विशेष योजना भी शुरू की है और उसका लाभ हमारे एमएसएमई सेक्टर को मिला है। और इसका बहुत बढ़िया स्टडी एसबीआई ने किया है। एसबीआई का स्टडी कहता है कि 13.5 लाख एमएसएमई इस योजना के कारण बर्बाद होने से बच गए हैं। एसबीआई का स्टडी कहता है 1.5 करोड़ नौकरियां बची हैं और करीब 14% एमएसएमई लोन्स के कारण एनपीए होने की जो संभावना थी उससे बच गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य जमीन पर जाते हैं वो इसके प्रभाव को देख सकते हैं। विपक्ष के भी कई साथी मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि साहब, ये इस योजना ने बहुत बड़ा लाभ किया है, एमएसएमई सेक्टर को इस संकट की घड़ी में बहुत बड़ा सहारा दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, उसी प्रकार से मुद्रा योजना कितनी सफल रही, हमारी माताएं बहनें कितनी उस क्षेत्र में आई है, लाखों लोग बिना गारंटी बैंक से लोन लेकर के आज अपना स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़े और खुद तो करते हैं, एक आध दो लोगों को रोजगार भी देते हैं। स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर्स, कभी हमने सोचा नहीं, पहली बार आजादी के बाद स्ट्रीट वेंडर्स और बैंक के अंदर से लोन मिल रहा है और हमारा स्ट्रीट वेंडर डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहा है और करोड़ों श्रमिकों को लाभ मिल रहा है। हमने गरीब श्रमिकों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत हजारों लाभार्थियों के खाते में हमने सीधे पैसे ट्रांसफर किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडस्ट्री को गति देने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत होती है। पीएम गतिशक्ति नेशनल प्लान, मास्टर प्लान, ये हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम करेगा और उसके कारण देश में भी माल सस्ते में पहुंच पाएगा और एक्सपोर्ट करने वाले लोग भी दुनिया के साथ कंपटीशन कर पाएंगे और इसलिए पीएम गतिशक्ति प्लान आने वाले दिनों में बहुत लाभकारक होने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने एक और बड़ा काम किया है, नए क्षेत्रों को, एंटरप्रेन्योर्स को उसके लिए हमने ओपन कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत स्पेस, डिफेंस, ड्रोन्स, माइनिंग को प्राइवेट सेक्टर को आज देश के विकास में भागीदार बनने के लिए हमने निमंत्रित किया है। देश में एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए सिंपल टैक्स सिस्टम की शुरुआत, हजारों कंप्लायंसेज हमारे देश में आता था, ऐसी हर डिपार्टमेंट ये लाओ वो लाओ, ये कागज लाओ वो नाम लाओ, वो सारा करीब 25,000 कंप्लायंसेज हमने खत्म किए हैं। आज मैं तो राज्यों से भी आग्रह करूंगा कि वे भी ढूंढ ढूंढ कैसे कंप्लायंसेज खत्म करें, देश के नागरिकों को परेशानी हो रही है उसको समझे। हम लोग आज देश में इस प्रकार के बैरियर्स हटाए जा रहे हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को लेवल प्ले फील्ड देने के लिए एक के बाद एक कदम हम उठाते जा रहे हैं।